भी आग में झोंकने का काम किया है। मैं आज इस माँ गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। उनकी घोषणा के 24 घंटे के भीतर हमने उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी जो है उसका संचालन शुरू किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 24 घंटों के भीतर बनफूलपुरा क्षेत्र स्थित मलिका का बगीचा में अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर पुलिस चौकी को खोल दी गई है। इस दौरान कुमाऊं पुलिस के उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह रावत और SSP प्रहलाद मीना भी मौजूद रहे। 12 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी घटना की निंदा करते हुए कहा था कि बनभूलपुरा में जिस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है उस स्थान पर जल्द ही पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है, वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस माँ गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। पुलिस हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों पर भी कड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए SSP प्रहलाद मीना ने आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा कहा। पुलिस लगातार CCTV और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने इसी कड़ी में मंगलवार को भी 6 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब तक 36 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से 41 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया गया है। हल्द्वानी क्षेत्र में जो 8 तारीख को घटना हुई थी, उसमें हमने 3 FIR पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं 3 FIR में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं, जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी एक्ट बने हैं, उनके हिसाब से हम कार्रवाइयाँ करेंगे और जो ये जितने भी अपराध तत्व हैं, जो भागे हुए हैं, फरार हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में एक ये नज़ीर बन सके, आने वाले समय में ऐसे अपराधी तत्वों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। और पुलिस व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में और भी पुलिस सेटअप की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस क्षेत्र में एक थाना खोलने की घोषणा की गई है, उसी के क्रम में आज उनकी घोषणा के 24 घंटे के भीतर हमने उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी जो है उसका संचालन शुरू किया है। एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, उसके साथ में कुछ PAC के कर्मचारी और अभी चूंकि हमारे जिले में पैरामिलिट्री भी है तो उसकी भी तैनाती वहां कर दी गई है। हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सोमवार को 2 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी किया है। मलिक द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान का प्रारंभिक आंकलन 2 करोड़ रुपए बताते हुए नगर निगम ने उसे 15 फरवरी तक यह राशि नगर निगम हल्द्वानी में जमा करवाने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न होने पर उससे कानूनी तरीके से यह वसूली की जाएगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी में 8 फरवरी को अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने प्रशासनिक अमले पर पथराव कर दिया था और सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। घटना के दौरान पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। इस हिंसा में पुलिस और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।